हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुलेट ट्रेन के बारे में। कभी इंडिया में बुलेट ट्रेन चलेगी हमने सोचा ही नहीं था। सपना हकीकत तब बना जब जापान के फाइनेंस एंड टेक्निकल मदद से मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का रूट तैयार किया गया। पिछले कुछ सालों में इंडियन रेलवे ने अपने आप को काफी डेवलप्ड किया है, चाहे नए ट्रैक बनाना हो, नए सुपरफास्ट ट्रेन लाना हो, फ्रेट ट्रेनों के लिए अलग ट्रैक बनाना हो, ट्रेन 18 जैसे मॉडर्न ट्रेनों को लाना या फिर बुलेट ट्रेन की शुरुआत करना हो, हर चीज में इंडियन रेलवे को सक्सेस मिला है। आप केंद्र का लक्ष्य है रेलवे सेवा को और अधिक उन्नत चरण पे ले जाना, इसलिए और 10 नए बुलेट ट्रेन चलाने की बातचीत शुरू हुआ है। ये नया 10 कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन चलाने में कितना लाभजनक होगा उसे देखकर ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा रेलवे मिनिस्टर की तरफ से। जिन जगहों पे बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा उसके लिए 6000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक तैयार किया गया है। इसी बीच रेलवे ने इस संबंध में केंद्र को एक प्रस्ताव भी भेजा है। चलिए जान लेते हैं जो नया 10 कॉरिडोर है बुलेट ट्रेन के लिए वो कहाँ कहाँ पे चलाया जाएगा। दिल्ली मुंबई बुलेट ट्रेन, दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन, दिल्ली कोलकाता बुलेट ट्रेन, कोलकाता पटना बुलेट ट्रेन, चेन्नई बेंगलोर बुलेट ट्रेन इसमें शामिल है। केंद्र की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही इन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। इन सारे प्रोजेक्ट के लिए करीब 10 लाख करोड़ रुपए का बजट हो सकता है, कुछ ऐसा ही कहना है इंडियन रेलवे का। काम शुरू होने के बाद 10 सालों के अंदर ही सारे प्रोजेक्ट का काम खत्म हो जाएगा। अभी बुलेट ट्रेन का अंतिम चरण वर्तमान में मुंबई से अहमदाबाद मार्ग पर चल रहा है। 2022 तक 508 किलोमीटर का लंबा रेल पथ पर हिंदुस्तान का पहला बुलेट ट्रेन रन करेगा। भारत के बुलेट ट्रेन के बारे में आप लोग क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।